नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे ये अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन बहुत दिनों से चल रही काउंटिंग के बाद ये चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं और जो बाइडेन बनने वाले हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। इसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। हमारा इंडियन गोदी मीडिया जो एक टाइम पर ट्रंप को सर पर चढ़ाकर रखता था और मोदी जी ने तो ऑलमोस्ट एक कैंपेन सा किया था ट्रंप के फेवर में, मानो अब की बार ट्रंप सरकार। आज जैसे ही हवा का रुख बदला इन्होंने भी पलटी मार ली। अब हमारा गोदी मीडिया दिखाता है कि जो बाइडेन की क्या पुरानी दोस्ती थी मोदी जी से। जो बीजेपी आईटी सेल के पेजेस पहले आपको जो बाइडेन के पाकिस्तानी लिंक्स दिखाते थे कि ये कितने एंटी नेशनल है क्योंकि इन्होंने सीए एनआरसी के अगेंस्ट बोला है, क्या है ये पाकिस्तानी है, आज यही बीजेपी आईटी सेल के पेजेस जो बाइडेन की टीम में मोदी सपोर्टर्स को ढूंढने लग गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिकन इलेक्शंस का क्या बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है इंडिया पर भी। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये इलेक्शंस का क्या मतलब निकलता है, कैसे यहां पर ट्रंप की हार हुई और इससे क्या असर पड़ता है, क्यों फर्क पड़ता है इंडिया के लिए और बाकी दुनिया के लिए, आइए जानते हैं। पहले हम थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि कितनी पॉलिटिकल पावर जो बाइडेन के हाथों में आएगी ये इलेक्शंस जीतने के बाद। इंडिया में गेम बड़ा सिंपल है, आप लोकसभा इलेक्शंस में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एमपी के लिए वोट डालते हैं, पूरे देश भर में यही होता है, और वो सारे एमपी जाकर एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो आपके लिए एज अ वोटर आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री को वोट नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अपने एमपी के लिए वोट दे रहे हो, और वो एमपी किसी पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक वोट देना है। अमेरिका में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आप वोट डालने जाओगे तो आपको एक नहीं बल्कि तीन बारी वोट देना पड़ेगा। पहला वोट आप दोगे कि कौन आपके हिसाब से प्रेसिडेंट बनना चाहिए, दूसरा वोट आप दोगे इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कि लोअर हाउस होता है अमेरिका का, इंडिया की लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो, तो दूसरा वोट आपका होगा अमेरिका के लोकसभा मेंबर के लिए, तीसरा वोट दोगे आप इनके सेनेट के लिए, इनका अपर हाउस होता है, इंडिया के राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हो। तो पहले वोट में आप प्रेसिडेंट चुनोगे, दूसरे वोट में आप अमेरिका के लोकसभा का मेंबर चुनोगे, और तीसरे वोट में आप अमेरिका के राज्यसभा का मेंबर चुनोगे अपने एरिया से। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आप इन तीनों वोट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट दे सकते हो। पहला आप डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए मान लो वोट दे सकते हो, दूसरा आपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना वो रिपब्लिकन पार्टी से हो सकता है, और तीसरा जो सेनेट मेंबर चुना आपने वो किसी तीसरी पार्टी से हो सकता है। अब जो बाइडेन जो कि इलेक्शन जीत रहे हैं वो चाहेंगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उन्हीं की पार्टी की मेजोरिटी हो, डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो, और सेनेट में भी उन्हीं की पार्टी की मेजोरिटी हो। इससे जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके लिए बिल्स पास करना आसान होगा, नए लॉज बनाना आसान होगा, लेकिन इसके आसार होते हुए नहीं दिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो अभी प्रिडिक्शंस हैं उनके हिसाब से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो डेमोक्रेट्स को मेजोरिटी मिल जाएगी लेकिन सेनेट में रिपब्लिकन मेजोरिटी होगी। अमेरिका में जो वोट काउंट करने का सिस्टम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और मेरी राय में ये कई मायनों में खराब भी है। क्यों खराब है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन पहले एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। इंडिया में क्या होता है, जब आप लोकसभा में वोट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट्स मिलेंगे उसे जीता माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में वोट काउंटिंग का सिस्टम इन तीनों वोट्स के लिए अलग अलग है। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। इस इलेक्शन में इंडिया के लोकसभा जैसा ही काउंटिंग सिस्टम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट्स मिले उसे जीता माना जाएगा। पूरे देश भर में करीब 435 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, जिस जगह पर ज्यादा पॉपुलेशन है जो वहां पर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेंगी आपको। लेकिन सेनेट में क्या है, टोटल में 100 सीट्स हैं, और इन 100 सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड नहीं किया गया देश भर में बल्कि देश की स्टेट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यूएसए में टोटल में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट को 2 सेनेट मिलते हैं, तो टोटल में 50 × 2 100 सेनेट्स की सीटें हैं। वोट काउंटिंग का सिस्टम यही है कि पूरी स्टेट में वोटिंग परसेंटेज देखी जाएगी, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सेनेट बन जाएगा। यहां पर बड़ा आम सिस्टम है, यहां पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोट काउंटिंग का सिस्टम है वो मुझे बड़ा खराब लगता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट काउंटिंग कैसे होती है कि हर स्टेट को एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिए जाते हैं, जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इलेक्टर्स दिए जाएंगे। जैसे कि कैलिफोर्निया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसको वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिए जाते हैं। पूरे यूएसए में टोटल में 538 इलेक्टर्स हैं,
हर प्रेसिडेंट को इलेक्टर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं एक स्टेट से और मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना पड़ता है। 538 का मेजोरिटी मार्क होता है 270 इलेक्टर्स। जिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने 270 का मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर लिया वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर विनर टेक्स ऑल का रूल बना हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, कैलिफोर्निया की जो स्टेट है उसमें 55 इलेक्टर्स हैं। मान लो 50% लोग जो कैलिफोर्निया में रहते हैं वो जो बाइडेन के लिए वोट करते हैं, तो जो बाइडेन की वोटिंग परसेंटेज है 50%, और 49.99% लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की वोटिंग परसेंटेज हो गई 49.99। यहां पर सिर्फ 0.01% से जो बाइडेन को ज्यादा वोट्स मिले हैं। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सारे इलेक्टर्स कैलिफोर्निया स्टेट के 55 इलेक्टर्स सारे के सारे जो बाइडेन के फेवर में जाएंगे। समझ रहे हो आप दोस्तों क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे? एक स्टेट को जितने भी इलेक्टर्स मिले हुए हैं, अगर किसी ने वो स्टेट 1% वोट से भी जीत ली तो सारे इलेक्टर्स एक इंसान के पास चले जाते हैं। इससे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि पूरे देश भर की अगर वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो एक कैंडिडेट को ज्यादा परसेंटेज लोगों ने वोट दिया लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट हार गया। 2016 की इलेक्शन में यही हुआ था। हिलरी क्लिंटन को कितने 3 मिलियन लोगों ने ज्यादा वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो इलेक्शन जीती क्योंकि इस इलेक्टर्स के सिस्टम से। ज्यादातर लोग हिलरी क्लिंटन को वोट देने वाले एक कैलिफोर्निया स्टेट में थे, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आ गई हिलरी क्लिंटन की, लेकिन बाकी स्टेट्स में थोड़ी सी नीचे रह गई, जिसकी वजह से सारे इलेक्टर्स डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए और वो इलेक्शन जीत गए। एग्जैक्टली इसी रीजन से दोस्तों ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं कि देश में रहने वाले ज्यादातर लोगों को पॉलिटिशियंस इग्नोर कर देते हैं, वहां पर कैंपेनिंग ही नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं यूएसए में जहां पर पता है कि यहां पर 60% डेमोक्रेट्स रहते हैं, 40% रिपब्लिकन्स रहते हैं, तो ये स्टेट तो हमेशा ही डेमोक्रेट्स के लिए वोट करेगी। यहां पर कैंपेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे फॉर ग्रांटेड है कि ये स्टेट तो डेमोक्रेट के लिए ही वोट करने वाली है। ट्रेंड नॉर्मली ये है कि जो स्टेट्स ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे हैं यूएसए के वो नॉर्मली डेमोक्रेट्स के लिए हमेशा वोट करती हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है यूएसए का वो नॉर्मली रिपब्लिकन्स के लिए वोट करता है। अर्बन एरियाज डेमोक्रेट्स के फेवर में रहते हैं, रूरल एरियाज रिपब्लिकन्स के फेवर में रहते हैं। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन भी ज्यादा है और जो सेंट्रल रूरल एरिया है वहां पर लैंड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। इसी रीजन से आप ये इलेक्शन का मैप देखोगे तो जो बाइडेन की पार्टी का कलर है ब्लू कलर है, ये कम दिखता है मैप में, चाहे वो इलेक्शन जीत भी गए हो, रेड कलर ज्यादा दिखता है क्योंकि बाय लैंड ये रिपब्लिकन स्टेट्स के पास ज्यादा एरिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में ऐसी कुछ ही गिनी चुनी स्टेट्स हैं जहां पर कंपटीशन तगड़ा चलता है। इन्हें कहा जाता है स्विंग स्टेट्स, जिनका पहले से पता नहीं है कि यहां पर रिपब्लिकन्स की तरफ जाएगी ये स्टेट या फिर डेमोक्रेट्स की तरफ जाएगी, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की परसेंटेज इन स्टेट्स में ऑलमोस्ट 50-50% है। इस इलेक्शन में जो वोट की काउंटिंग थी ये पहले दिन में ही ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमें विनर नहीं पता चला था क्योंकि इन स्विंग स्टेट्स में कंपटीशन बड़ा तगड़ा चल रहा था। स्पेशली 4 स्टेट्स थी, जॉर्जिया, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और अरिजोना, यहां पर बहुत ही क्लोज कंपटीशन चलने लग रहा था, इसलिए काउंटिंग कई दिन तक चलती रही। 90% वोट काउंटिंग आने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि कौन जीत रहा है यहां पर, कौन हार रहा है। एक टाइम पर ऐसा लगा था कि ट्रंप जीतने वाले हैं, बेटिंग मार्केट्स ने अपनी 70% बेट्स ट्रंप पर लगा दी थी, लेकिन उसके बाद एक ये स्टेट पलट गई और जो बाइडेन आगे निकल गए और उनके हाथ में ये स्टेट आ गई। और यही रीजन है कि यूएस की ये इलेक्शन किसी सुपर ओवर वाले आईपीएल मैच से कम थ्रिलिंग नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम है, लोगों की डिमांड रही है इस सिस्टम को बदलने की, क्योंकि अगर टोटल वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उसमें जो बाइडेन काफी टाइम से हमेशा से ही आगे चल रहे थे जब काउंटिंग चल रही थी, तो उससे रिजल्ट बड़ा ऑब्वियस हो जाना चाहिए था कि जो बाइडेन ही यहां पर जीतने वाले हैं। लेकिन पहले 2016 जैसी सिचुएशन भी यहां पर क्रिएट हो सकती थी। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें सिस्टम को परसेंटेज एज ए वोट के साथ अलाइन कर देना चाहिए और उसी के बेसिस पर इलेक्टर्स बांटे जाए, ना कि एक स्टेट जिसे मिली वहां पर विनर टेक्स ऑल हो गया। अब अगर इन इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट्स थे दोस्तों अमेरिकन लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले जितने भी ओपिनियन पोल्स थे वो बहुत कंसिस्टेंटली बता रहे थे कि जो बाइडेन 8 परसेंटेज पॉइंट से आगे चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली डोनाल्ड ट्रंप से। 8% वोट शेयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेके चल लिया था कि जो बाइडेन ये इलेक्शन जीतने वाले हैं बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन रियलिटी में जब इलेक्शन का दिन आया तो पता चला कि ये रेस कितनी क्लोज रेस चल रही है। इन ओपिनियन पोल्स का गलत होना यह बताता है कि यूएसए में एक बहुत ही बड़ा शेयर है साइलेंट वोटर्स का, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करते हैं लेकिन अपनी राय ओपनली बोलते नहीं है।
तो डेमोक्रेट पार्टी के लिए और अमेरिका में लेफ्ट लीनिंग लोगों के लिए सोचने वाली बात है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वाली बात है कि क्या गलती थी उनकी कैंपेनिंग में कि इतना सब गलत होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के पूरी टर्म में वो इतने करीब आ गए थे इलेक्शन जीतने के। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या इन्होंने नखरे किए इलेक्शन हारने के बाद। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड तरीका था दिखाने का कि ट्रंप का कैसे रोना धोना चल रहा था इलेक्शन हारने के बाद, लेकिन ट्विटर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, स्टॉप द काउंटिंग। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे लिख रहे थे जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी कि काउंटिंग बंद कर दो क्योंकि मैं यहां पर जीत रहा हूं, तो अभी काउंटिंग रोक दो, मुझे प्रेसिडेंट बनना है आगे। मानो कि मतलब बाकी वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है क्योंकि यहां तक वोट काउंटिंग में मैं जीत रहा था। इसके बाद इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने, कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूं ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूं, यहां पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी अपनी इसको लेकर और अमेरिकन न्यूज चैनलों ने दोस्तों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही इंटरप्ट करके काट दिया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि यकीन ही नहीं किया जा सकता इन पे, हम आपको दिखाएंगे ही नहीं, रहने दो। ट्विटर ने भी इनके ट्वीट्स ब्लैकआउट करने शुरू कर दिए, हाइड करने शुरू कर दिए क्योंकि इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं ओपनली। उम्मीद करता हूं अगली बारी ट्विटर इंडियन इलेक्शंस में भी ऐसे ही इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज को ब्लैकआउट करेगी, हाइड करेगी, क्योंकि इंडियन मीडिया हमारा ये करे, न्यूज चैनल्स ये करे, उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या फर्क पड़ेगा जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से? मेरी राय में दोस्तों ये ना सिर्फ इंडिया के लिए अच्छी खबर है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट की, कि हमारा देश सबसे आगे रहना चाहिए, मैं अपने देश को सबसे आगे रखूंगा चाहे पूरी दुनिया जाए भाड़ में। इसी रीजन से उनकी पॉलिसीज थी कि सब कुछ देश के लिए करा जाएगा, यहां पे बाकी दुनिया से पार्टनरशिप खत्म कर दो, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं यहां पे उन्हें खत्म कर दो, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, ईरान न्यूक्लियर डील हो, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इन सारी ट्रीटीज से ट्रंप ने या तो पीछे हटने की कोशिश करी है, कंप्लीटली विदड्रॉ कर दिया है, या फिर इन्हें कमजोर बनाने की कोशिश करी है। और मेरी राय में दोस्तों दुनिया भर में मैं उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करता हूं जो ना सिर्फ अपने देश की सोचते हैं बल्कि पूरी धरती की सोचते हैं, क्योंकि अगर हर देश सिर्फ अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए सोचने लग गया तो दुनिया नहीं चल पाएगी। यहां पर सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और यहां पर फिर वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी। सारे देशों को अपने से आगे बढ़कर धरती की सोचनी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करते। आज के दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन। बड़ी मुश्किल से सारी कंट्रीज ने इकट्ठे होकर कोशिश करी कि हम साथ में मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक रोक सकेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, यूएसए को पीछे हटा लिया उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। जो बाइडेन की सबसे पहली प्रॉमिस यही रही है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे पहले ही दिन वो यूएसए को वापस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में डालेंगे। जो बाइडेन की प्रॉमिस है कि वो कोशिश करेंगे यूएसए 2050 तक जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंच सके, वो $2 trillion इन्वेस्ट करने की प्रॉमिस करते हैं ग्रीन एरियाज में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो इंडस्ट्रीज, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, नेचर कंजर्वेशन एफर्ट्स, एनवायरमेंट जस्टिस के लिए, और साथ में 1 million जॉब्स क्रिएट करेंगे इन ग्रीन एरियाज में। इकोनॉमी की बात करें तो इन जनरल ट्रंप की पॉलिसी थी कि बाकी कंट्री से ट्रेड को कम किया जाए, अमेरिका में बढ़ावा दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग को। जो बाइडेन भी इसी को प्रमोट करते हैं लेकिन वो बाकी कंट्री से ट्रेड को कम नहीं करना चाहते उस हद तक। दोनों ही चाइना के अगेंस्ट हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन को लेकर दोनों की पॉलिसीज में बहुत फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स DACA प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। ये प्रोग्राम क्या था कि अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यूएसए में आता है एज किड्स, बच्चे जो आते हैं उनको वहां पर रहने दिया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को मना कर दिया था। लेकिन जो बाइडेन कहते हैं कि वो इस प्रोग्राम को वापस इनिशिएट करेंगे कि अगर कोई बच्चा एज एन इलीगल इमिग्रेंट पहुंच जाता है गलती से यूएसए में तो उसे वहां पर रहने के राइट्स दिए जाएं। साथ ही साथ जो बाइडेन ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रॉमिस थी यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर एक बड़ी सी वॉल बनाना, उसकी कंस्ट्रक्शन को वो बंद कर देंगे, फंडिंग बंद कर देंगे वहां पर, और जो ट्रैवल बैन्स ट्रंप ने किए थे उन्हें भी वापस ले जाएंगे वो।
इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हो, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लोगों ने इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने तो इनकी पूजा तक करी थी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ऑलमोस्ट कैंपेन्स ही करी थी इनके लिए इंडिया में, स्टेडियम भर के यहां पर पूरा इवेंट हुआ था, आप जानते ही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं किया था, इनफैक्ट थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव ही कह सकते हो, क्योंकि H1B वीजा को इन्होंने टेम्परेली सस्पेंड कर दिया था, जिससे कि इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी यूएसए में। जो बाइडेन दूसरी तरफ इंडिया के बहुत फेवर में है, 2006 में ही इन्होंने कहा था, माई ड्रीम इज दैट इन 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इफ दैट अकर्स द वर्ल्ड विल बी सेफर। वैसे दोनों ट्रंप बाइडेन इंडिया के फेवर में होंगे, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया एक रीजनल सुपर पावर है एशिया के अंदर, और चाइना का एक बहुत बड़ा राइवल है, और यूएसए भी चाइना का राइवल है, तो इसलिए इंडिया के साथ यूएसए टाइज बढ़ाना चाहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ जो बाइडेन क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी से हैं, तो इनकी लिबरलिज्म को लेकर प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग हैं, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी अपॉर्चुनिटीज को ये ओपनली सपोर्ट करते हैं और दिखाते भी हैं अपना सपोर्ट। इसी रीजन से इंडिया में कई लोगों को इससे बड़ी इरिटेशन होगी, जो लोग इंडिया में सेक्युलरिज्म को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले जो बाइडेन ने CAA NRC के खिलाफ भी ओपनली स्टैंड लिया था, जो कई लोगों को मोदी सरकार में पसंद नहीं आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।